अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर आप लोगों से माजरत ख्वाह हूँ कि वीडियो इस बार मज़ीद लेट हो गई और एक हफ़्ता डिले हो गया। इसके लिए आप लोगों से दिल की गहराइयों के साथ माजरत ख्वाह कि हमने अब की बार वीडियो लाने में ताखीर कर दी। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने पेश हो रहे हैं। आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक कबीले में शिकारी ने एक कुत्ता पाला। कुत्ता जो कि उसको दौरान शिकार अधमरी हालत में मिला। उसके इलाके में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और उस इलाके में लोग ज़मींदारी का काम किया करते थे। उनके बीचों बीच ये फर्द वाहिद था जो शिकार करके अपना पेट पालता और मुद्दत अपने शिकार की रकम से ज़िंदगी गुजारता। शुरू शुरू में लोग उस बंदे से मिलने आते तो कुत्ता एक कोने में पड़ा रहता। लोग आते और उस कुत्ते को देखकर चले जाया करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ कुत्ता सेहतियाब होता चला गया और उसकी अपनी नुमाया कैफियत भी जाहिर होने लगी। वो तकरीबन आने जाने वाले मेहमानों पर ना सिर्फ गुर्राता बल्कि उनमें से अक्सर के ऊपर झपट्टा भी मार दिया करता था, जिसकी वजह से उसके घर पर लोगों ने आना कम कर दिया। और एक दिन शिकारी की अपने पड़ोसी से मुलाकात हो गई। शिकारी ने सवाल किया, अस्सलामुअलैकुम, काफ़ी दिन हो गए हजरत, आपने चक्कर नहीं लगाया मेरे घर पर, खैरियत तो है? जिस पर उस पड़ोसी ने जवाब दिया कि बात दरअसल ये है मेरे भाई कि आप एक जो काम करते हैं वो नहायत ही बुरा है और दूसरी प्रॉब्लम ये कि आपने इस कुत्ते को पाल लिया है। हम तो पहले भी आपसे पड़ोसी और मुरव्वत की बुनियाद पे मिला करते थे, मगर अब इसकी कीमत कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपसे मुलाकात और अपने मरासिम जारी रखें तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप इस कुत्ते को पहली फुर्सत में या तो बेच दें या कहीं छोड़ कर आ जाएं। पहले तो शिकारी ने सोचा कि उस कुत्ते को वाकई बेच देता हूँ, लेकिन अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि इस कुत्ते की मदद से अब तो वो काफ़ी बड़े शिकार ढूंढ लेता है और इसको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, लिहाजा उसने इस फैसले को तर्क कर दिया। कुछ अरसे के बाद उस शिकारी का नाम इलाके के अंदर बड़े मेहनतकशों में और अमीर और रईस लोगों में होने लगा। गांव वालों ने बड़ी आवभगत की, बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी अंदाज से इस कुत्ते से दूर हो जाए, मगर नाकाम रहे। और थोड़े दिनों बाद शिकारी का भाई भी उसी इलाके में शिकारी से मिलने आया और वहाँ उसने इलाका मकीन के एक बंदे को रोक कर पूछा, अस्सलामुअलैकुम, तकलीफ़ के लिए माजरत ख्वाह हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ कोई शिकारी रहता है? तो उस बंदे ने बोला, जी हाँ, यहाँ एक शिकारी तो रहता है, मगर आप कौन? तो उस शिकारी के भाई ने कहा कि मैं उसका भाई हूँ और उससे मिलने यहाँ आया। ये सुनकर उस आदमी ने अपने दिमाग में सोचा, अरे भाई वाह, क्या टाइमिंग है, क्या मौका और क्या महल बना है, मैं इसको अभी भेज देता हूँ और वो तो अभी घर पे भी नहीं होगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके भाई ने बोला, हजरत कहाँ ख्यालों में गुम हो गए, आप ज़रा बताइए तो। उस आदमी ने माजरत के साथ कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपनी सोचों में गुम हो गया था, मैं आपको पता बताता हूँ, आप एक काम कीजिए, यहाँ से उल्टे हाथ पर जाइए और सीधा जाते रहिए, उल्टे हाथ का पहला मकान आपके भाई का ही है। ये सुनकर शिकारी के भाई के अंदर जान में जान आ गई, क्योंकि वो पहले ही थका हुआ था, तो मतलूबा रास्ते की तरफ चल पड़ा। घर पहुँचते ही उसने पहली दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। उससे दूसरी दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। उससे तीसरी दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। शिकारी के भाई की नज़र दरवाजे पर जब पड़ी और उसने थोड़ा गौर किया तो देखा दरवाज़ा तो पहले ही खुला हुआ है। वह थका हुआ तो था ही, उसने फौरन दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होने की। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, कुत्ता ये समझा कि कोई चोर घर में दाखिल हो गया है और कुत्ते ने हस्बे मामूल उस पर झपट्टा मार दिया। जब कुत्ते ने उस पर हमला किया तो वह घबरा गया। कुत्ते ने उस पर हमला करते करते उसको बाहर निकाल दिया। बाहर जैसे ही निकला तो गांव वालों को जैसा लगा लगाया मौका ही मिल गया और उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने लाठियां उठाई और उस कुत्ते को धड़ाधड़ मारना शुरू किया। इस हद तक उस बेचारे कुत्ते को मारा कि
कि उस कुत्ते की हालत बिल्कुल ख़त्म हो गई। इतने में शिकारी वहाँ आ गया। शिकारी ने जब यह मामला देखा तो लोगों से पूछा कि तुम इस कुत्ते को क्यों इतनी बेदर्दी से मार रहे हो। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए उस कुत्ते को मार रहे हैं, वरना अगर हम ना ऐसा करते तो तुम्हारे भाई की ये जान ले लेता। शिकारी ने सारी बात सुनने के बाद ये बोला, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं था जो मेरे भाई को अपने पास थोड़ी देर बैठा लेता? क्या तुम लोगों को ये खबर नहीं थी कि इस वक्त मैं अपने घर पर नहीं होता? क्या तुम में से कोई ऐसा भी नहीं था कि वो यही बोल देता कि मैं इस वक्त उसको घर पर नहीं मिलूंगा? मगर तुम लोगों को जल्दी थी उस कुत्ते को मारने की। तुम लोगों को हसद थी कि मैं तुम लोगों से आगे कैसे निकल रहा हूँ, हालांकि तुम लोगों ने मुझसे हर किस्म का ताल्लुक तोड़ दिया, हर किस्म की तुम लोगों ने मुझसे फासले किए, हर किस्म के हटकंदे आसमाए कि मेरा कुत्ता मुझसे दूर हो जाए। और आज तुम लोग कामयाब हो गए, तुम लोगों की मेहनत रंग ले आई, तुम लोगों ने इस बेजुबान जानवर की जान ले ली सिर्फ अपने हसद, अपनी आग, अपनी जलन की बुनियाद पर। अफसोस। और ये कहकर शिकारी उस कुत्ते को उठाकर वहां से रोता हुआ चला गया। जी दोस्तों, जैसा कि आपने मुलाहिजा फरमाया, आज की कहानी के अंदर हसद का एक अंसर दिखाया गया है कि हसद कैसे मामलात को ख़राब कर देता है। मैं अपने बचपन से एक चीज़ देखता हुआ आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ मुआशरे में लोग मुकाबलेबाजी को बहुत गलत अंदाज से सिखाते हैं। ये गलत तरीका है। ज़िंदगी कोई रेस कोर्स नहीं है। इसी अंदाज से अगर ज़िंदगी गुजारते रहे, विनिंग रन चेस के अंदाज से ज़िंदगी गुजारते रहे, तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसी सेंसलेस विनिंग रन चेज ने आज हमारे मुआशरे को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। इसी भाग दौड़ के चक्कर में, जीत के चक्कर में हमारा मुआशरा एक अंधेरे की तरफ बढ़ चुका है। हमें पता ही नहीं है, सही और गलत की तमीज़ ही नहीं रही हमको। हमारे मुआशरे में तरह तरह की बुराइयां जन्म लेना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने अपनी वो तमाम अच्छी आदत ही छोड़ दी जीत के चक्कर में। ना हम किसी के लिए कोई अच्छा सोचते हैं, ना हम किसी के लिए कुछ भला करना चाहते हैं, ना हम किसी के लिए कोई मदद करना चाहते हैं। हम किसी के लिए किसी भी किस्म की कोई आसानी दरकार नहीं होने देते। ये हमारे मुआशरे का अब एक अलमिया बन चुका है। हम वेस्ट की दूसरी तरक्की याफ्ता ममालिक की बात तो कर लेते हैं, पर क्या हम खुद बजाते खुद इंटरनली तौर पर, अंदरूनी तौर पर हर बंदा अपने आप से सवाल करे, किसी को इल्ज़ाम ना दे कि मेरे फलाने की वजह से, ढिमकाने की वजह से, नहीं, अपने आप से सवाल कीजिए और पूछिए कि क्या वाकई हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसी हम बातें करते हैं? लिहाजा आज के इस टॉपिक के अख्ताम पे सिर्फ आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगा कि खुदारा इन तमाम चीज़ों को और इससे रिलेटेड दूसरी बुराइयों को भी आप अपनी ज़िंदगी में दूर कर दीजिए। इस वीडियो को अख्ताम की तरफ लाते हुए आप लोगों से गुजारिश है कि उन पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए जो कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए, और मेरी ये वीडियो उन तमाम लोगों के नाम जो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की आवाम के साथ तावुन कर रहे हैं। बिलखसूस मैं सबसे पहले डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मेरा सलाम पेश होता है कि वो इस कड़ी वक्त में फ्रंट लाइन पर आकर पाकिस्तान की आवाम की हेल्प कर रहे हैं और उन्हें हील कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे पुलिस एहलकार, तीसरे नंबर पर आर्मी, चौथे नंबर पे वो तमाम फलाही इदारे जो किसी न किसी अंदाज से, चाहे वो रोटी देने का मामला हो या पैसे पहुंचाने का, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और वो आम हजरात जो किसी भी वेलफेयर ट्रस्ट के नहीं हैं बट बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग मुस्लिम वो रोडों पे निकले हुए हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू पीपल फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान। सबसे बढ़कर आखिर में इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए। अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को, फिर दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह, और इस उम्मीद पर कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे।